अब नए नियम के अनुसार आपको अपना टीवी चैनल चुनने का अधिकार है और चुने हुए टीवी चैनल के ही पैसे आपको देंगे। आपका भी अनुरोध है कि 29 दिसंबर 2018 से अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से लॉर्ड बुद्धा टीवी की मांग करें। अपने मनपसंद प्रोग्राम का आनंद लेते रहे, यह करना 29 दिसंबर 2018 तक आवश्यक है। यदि आपको कोई मना करता है तो आप उसे इस अधिकार के बारे में जरूर बताइए। और फिर भी यदि आप अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो अपना केबल या डीटीएच ऑपरेटर जरूर बदल सकते हैं। अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी देखना यह आपका अधिकार है, अपना अधिकार ले। टेलीकॉम अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार यह आपका हक है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, जय भीम, नव उद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम के जरिए हम आ जाए हैं बोरगांव में बहुजन बुद्ध विहार। इस विहार में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ में इस गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। महिलाओं से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं बुद्ध वंदना। अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्ध भगवन्तं बुद्धं अभिवादेमि। सखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपठनो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। अरहं वंदामि संपदा तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संगं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संगं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। अदीनदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमाजठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में काफ़ी हद तक महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ चुके हैं। लेकिन हम बुद्ध विहार की स्थापना किस तरह से हुई है और बुद्ध के बारे में किस तरह से लोग अवगत है और बुद्ध के विचार किस तरह से लोगों तक जन जागरूकता के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो ताई मुझे बताइए कि ये जो बुद्ध विहार है, इस विहार की स्थापना कब हुई? हे बुद्ध विहार आमचं 20-25 वर्ष झाले हे आमच्या पूर्वजाने तयार केलेले। जो ज्या वेळेसपासून हे बुद्ध विहार तयार झालेले त्यावेळेसपासून ते करत आले त्या पद्धतीने, त्याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने आम्ही आता त्याच्यात वाढ करण्याचा प्रयत्न करतो आणि रोज सकाळी इथं वंदनासाठी येत असतो। आमच्या विहारावर इथं गौतम बुद्धाची मूर्त आहे, बाबासाहेबाचाही मूर्त आहे। म्हणजे आपने कहा की जो आपके पूर्वज थे उन्होंने इस बुद्ध विहार की स्थापना की और तब से लेकर आज तक आप धम्म का प्रसार और प्रचार कर रहे हो। ताई मुझे बताइए वर्षवास में किस तरह का धम्म का पठन किया जाता है? आम्ही दरवर्षी वर्षवासामध्ये बुद्ध आणि त्यांचा धम्म यांचे पठन करतो। यहाँ पे हमारे साथ में लड़कियाँ भी है जो छात्राएं है कॉलेज में पढ़ रही है, तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो कि इस बारे में क्या कहना चाहती है। मुझे बताइए आप इस विहार में रोजाना आते हो? हाँ।
किस तरह से यहाँ पे धम्म का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है? आम्ही दर रविवार आम्ही पंचशील म्हणजेच वंदना घेत असतो, त्यामध्ये सर्व महिला पुरुष आणि तसेच आमचे सर्वच म्हणजे आई वडील सर्वजण आम्ही पंचशील घेण्यासाठी येत असतो आणि ते सर्वांचा सहभाग होतेच या विहारामध्ये सर्वांना। तसं जर पाहिलं तर पहिले अगोदर काही जास्त इथे पब्लिक नसायची, पण तरी सध्या आता तरी त्यामध्ये फरक पडलेला आहे। अच्छा, मुझे बताइए आप छात्रा है, आप कॉलेज में पढ़ती होगी, तो आप अपने तरफ से जो महापुरुष है फुले शाह अम्बेडकर, उनके विचार आपके लड़कियों के माध्यम से या फिर गाँव के जो लोग होते हैं उनके जरिए किस तरह से पहुंचाने का कार्य कर रही हो? अभी तो मला वाटते कि मैं फुले शाह अम्बेडकर यांना मानते, त्यामध्ये तसं त्यांचं मला प्रेरणास्थानच आहे आणि खरंच भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी तसं जर खूप चांगल्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात। आमच्या शाळेमध्ये सुद्धा या गोष्टीचे आपल्याला जाणीवपूर्वक देतात करून आणि त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे असं तरी मला वाटतं। आप क्या बताना चाहोगी? आज हम आपके बुद्ध विहार में बोरगांव में आए हैं, बहुजन बुद्ध विहार में, और आपके साथ सभी यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वहाँ भी वो उपस्थित है खास तौर पर, आप इस मौके पर क्या कहना चाहती हो? मला असं वाटते की आपण बौद्ध या नात्याने आपण प्रत्येक गावामध्ये धम्मविहार बौद्धविहार असते, तर प्रत्येक बौद्धांचं हे कर्तव्य आहे की आपण दररोज तरी निदान आपलं जाणं होत नसेल तर दर रविवारी तरी आपण गेलं पाहिजे आणि सहपरिवार सहकुटुंब गेलं पाहिजे, वंदना घेतली पाहिजे, कारण की वंदना घेतल्यामुळे आपलं जे धम्म आहे धम्म आपल्याला कळायला लागेल। आपल्या जोपर्यंत आपल्या वाणीतून धम्माची धम्म म्हटल्या जाणार नाही तोपर्यंत आपण तो अंगीकृत करू शकणार नाही। आपलं कुटुंब आपण स्वतः जर आपला धम्म अनुसरला तर आपलं कुटुंबही अनुसरेल आणि अशा धम्म आपल्याला जर आपला धम्म कळाला तर आपलं कुटुंब चांगल्या पद्धतीने वळणावर येईल आणि कुटुंबसुद्धा चांगल्या प्रकारे आलं की गावसुद्धा चांगला विकास घडवू शकतो आणि धम्म असाच एक धम्म म्हणजे काय तर सदाचरणाचा एक मार्ग आहे। आपल्या प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यामध्ये धम्माचं आचरण आपण करत असतो, सर्वांनी आचरण करायला पाहिजे, त्यामुळे आपल्या जीवनाची चांगल्या प्रकारे प्रगती होऊ शकते। आणि विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या स्वतःच्या आईवडिलापेक्षाही श्रेष्ठ आहेत असं माझं म्हणणं आहे, कारण की आपल्याला कुठल्याही प्रकारची ज्यावेळी गती नव्हती किंवा आपण शून्यापासून बाबासाहेबांनी जशी आपल्या समाजाची निर्मिती केली हे बाबासाहेब आपले खूप आदरणीय माझे प्रेरणास्थान आहेत आणि त्यांनी मला ज्या काही गोष्टी शिकवल्या त्यांचं मी पुरेपूर पालन करीन आणि त्यांना जे आपल्या बौद्ध बांधवापासून काही अपेक्षा होत्या त्या माझ्याकडून जर पूर्ण होत असतील तर मी ते माझ्या भविष्यामध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन आणि त्यांचे विचार मला जोपर्यंत पोहोचवता येतील मी ते पोहोचवण्याचा आयुष्यातनं नक्कीच प्रयत्न करेन। माझं नाव पूजा मधुकर गुर्दे। पूजाने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बुद्ध और बाबा साहब के बारे में अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि अगर परिवार के अगर एक सदस्य धम्म की ओर बढ़ता है तो पूरा परिवार बढ़ता है और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उन्हें भी हम धम्म के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस बहुजन बुद्ध विहार में किस तरह से धम्म के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और जो धम्म है उन्हें किस तरह से प्रसार और प्रचार करते हैं। हमारे साथ में इस विहार के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। सर मुझे बताइए कि इस बुद्ध विहार में किस तरह से धम्म का कार्य बढ़ रहा है? तसं पाहिलं तर आमच्या इथे अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये सर्वप्रथम बुद्धविहार झालं आहे। साधारणतः 1962-63 या बुद्धविहाराची स्थापना झाली, आमचा जन्मही त्या ठिकाणी नव्हता, त्यावेळेस आमचे काही आजोबा पंजोबा असतील त्यांनी या विहाराची स्थापना केली। खरं म्हणजे या ठिकाणी या विहाराच्या माध्यमातून शिक्षणाची मोठी फळी निर्माण झालेली आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार या गावामध्ये पेरल्यामुळे बरेचशी मंडळी औरंगाबादला मिलिंद कॉलेजला डिग्र्या घेऊन या गावातले साधारणतः 30-35 लोक प्रत्येक घरातला माणूस नोकरीला लागलेला आहे आणि शिक्षणाचं महत्त्व बाबासाहेबाच्या लेखणीतून बाबासाहेबाच्या विचारातून आम्हाला कळाल्यामुळे या गावाची प्रगती पुढे कशी करता येईल अशा पद्धतीने वेगवेगळे कार्यक्रमसुद्धा आम्ही या ठिकाणी घेतो, पौर्णिमेला घेतो, तसेच या ठिकाणी जो वर्धापन दिवस असतो आमच्या बुद्धविहाराचा या ठिकाणी विविध प्रकारच्या स्पर्धा घेतो आम्ही, विविध प्रकारचे विचार रुजवतो, त्याच्यानंतर या ठिकाणी आम्ही शिबिरसुद्धा घेतो, बंदीची शिबिर घेतो
आणि विचार या ठिकाणी पाठशाला विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने सांगता येईल, अशा त्या तज्ज्ञ मंडळींच्या माध्यमातून या गावाचा विकास कसा करता येईल या विहाराच्या माध्यमातून काही आम्ही मंडळी 4-5 लोक नेमलेले आहेत की ते लोक या ठिकाणी दररोज बुद्धवंदना घेतात, त्याच्याप्रकारे विविध जे धार्मिक कार्यक्रम असतात, जयंती असतील, बाबासाहेबाच्या फुलेशाह आंबेडकरांच्या जयंती असतील, त्या दिवशी या ठिकाणी ते पठन करतात आणि लोकांना एक स्मरण देऊन एक बाबासाहेबाच्या बुद्धाच्या विचाराचा उजाळा देण्याचा प्रयत्न करतात। सर, आपने कहा है कि इस विहार की जो स्थापना है वो कम से कम 30-35 साल पहले हो चुकी है और तब से लेकर आज तक धम्म का काम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो प्रतियोगिता काफ़ी हद तक की जाती है जिसमें बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक सफल होते हैं, तो आप बाकी बच्चों को क्या कहना चाहते हो जो विहार में नहीं आते लेकिन धम्म के बारे में जागरूक है? हाँ, मैं ये मानू शकतो कि जे विद्यार्थी आतापर्यंत विहारात येत नाही किंवा दुर्लक्ष करतात अशा लोकांनी किंवा आपल्या पालकांनी त्या मुलाला आपल्या मुलाला पालकाला विहारामध्ये जाण्याची किंवा सक्ती केली पाहिजे, कारण आपण जे जगतो आहेत, आपण जे राहतो ते बाबासाहेबाच्या विचारावर राहतो, कदाचित आपल्याला शिक्षणाचं महत्त्व कळालं नसतं, या विहाराच्या माध्यमातून संस्कार घडले नसते तर आपण एवढा मोठा धम्म पुढे आलो नसतो। बाबासाहेबांनी इतर समाजाला जशा सवलती दिल्या तशा बौद्ध समाजाला दिल्या, परंतु शिक्षणाचं महत्त्व कळाल्यामुळे SC ST लोक जे आहेत पुढे आलेले आहेत, परंतु बाकीची जी मंडळी आहे त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व न कळाल्यामुळे ते माग आहेत। म्हणून मी पालकांना किंवा या विहारात न येणाऱ्या मंडळीला एवढंच सांगू इच्छितो की प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलाला बंधन घेतलं पाहिजेत आणि विहारात पाठवण्यासाठी सक्ती केली पाहिजे। विहार के बारे में हम फिर और कुछ जानेंगे लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है, पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में। चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4-20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता, नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर, तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्ध नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896, 7385519190, 7057050633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है। अब अपने विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जोड़ने के लिए ना हो परेशान, लॉर्ड बुद्धा टीवी ने इसे बना दिया है बिल्कुल आसान। हमारे बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो कार्यक्रम में अपनी पूरी जानकारी दीजिए और अपने मनपसंद रिश्ते बनाइए, हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आपका साथ गांव का विकास। इस माध्यम से हम कुछ अधिकारियों से बात करेंगे और साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि गांव का विकास किस तरह से हो रहा है और गांव की जो गति होनी चाहिए उसमें किस तरह से गांव सफल हो रहा है। मुझे बताइए कि गाँव में किस तरह का कार्य हो रहा है विकास के लिए। गाँव मध्ये आम्ही म्हणजे संविधान दिवस म्हणजे फुलेशाह आंबेडकर, त्यानंतर रमाबाई, त्यानंतर सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती उत्सव आम्ही साजरे करत असतो याच धम्मवट्यावर। त्यानंतर काही सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यानंतर भाषणाचे पण सुद्धा आम्ही कार्यक्रम याच वट्यावर घेत असतो। आणि त्याच्यामुळे काय होते, जे विद्यार्थी येतं त्यांच्यामध्ये जे समाजसुधारक येतं, फुलेशाहू आंबेडकरांचे विचार जे येतं ते रुजतात आणि त्यांच्या विचारानुसार ते चालतात, म्हणजे की जे लहान वयामध्ये जे त्यांच्यावर संस्कार रुजले ते त्यांना पुढे साथ देतात। त्यानंतर आमच्या गावामध्ये काही भिक्षू लोक येतात, ते पण सुद्धा आम्हाला चांगल्या प्रकारे धम्माचं ज्ञान सांगतात। आणि भिक्षू लोक आल्यानंतर इथे भरपूर मंडळी येते, काही विद्यार्थी पण येतात, त्यानंतर महिलांचा पण सुद्धा सहभाग असतो, महिला पण सुद्धा मोठ्या संख्येने येत असतात।
त्यानंतर असा आमच्या इथला विकास आहे. आणि जे विद्यार्थी आहेत विद्यार्थ्यांमध्ये पण इथलं जे काय आमचे ते पण सुद्धा ज्ञान सांगतात आणि विद्यार्थी पण पुस्तकं आहे यांच्यात पुस्तकामार्फत छोटे मोठे पुस्तकं आणतात त्याच्यानंतर इथं पठन केले जाते. आणि जे बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ते पण सुद्धा इथं पठन केला जातो. आणि त्याचबरोबर अशा प्रकारचे इथं आम्ही कार्यक्रम घेतो. सर आप एक युवा आहे, आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हो? खास मी इथं नेहमी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम घेत असतो आणि संविधान दिवस असतो किंवा फुलेशाह आंबेडकरांचे जे समजा जयंती उत्सव असतात त्यांना लेकरांना मी मार्गदर्शन करत असतो. आणि भाषणाचा जो मुख्य कार्यक्रम असतो ते माझ्या हातून होत असतो इथं. आणि त्यानंतर मी काही पुस्तकं वगैरे मुलांना देत असतो, काही ज्ञान फुलेशाह आंबेडकरांचे विचार मी त्यांच्यापर्यंत रुजवत असतो. संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? संविधान के बारे में संविधान हे लिखित आपल्या घटनेचं लिखित संविधान आहे आणि जगात असं एकमेव असं लिखित संविधान आहे की ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं. तर आपल्या घटनेत मूलभूत अधिकार दिले आहेत, त्यानंतर 395 कलम आणि काही परिशिष्ट दिले आहेत. असं लिखित स्वरूपाचं असं संविधान खूप चांगलं संविधान आहे आणि 26 नोव्हेंबर हा एक संविधान दिवस म्हणून आम्ही इथं साजरा करत असतो. तर अशा प्रकारचं आमचं इथलं. सर आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? संविधान बहुत अच्छा है लेकिन चलाने वाले बराबर होना चाहिए. संविधान बाबा ने जब लिखा था तभी कहा था कि संविधान मैं लिख रहा हूँ लेकिन हाँ चलाने वाले सही होना चाहिए. तो संविधान सबके लिए अच्छा है, अपने समाज के लिए और सब समाज के लिए संविधान समान है. जी संविधान बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बाबा साहब ने बहुत अप्रोक्सीमेटली 12th कंट्री है वहाँ से उसको कंट्रीब्यूट किया है और सभी फंडामेंटल राइट्स कुछ सभी के लिए सोच के रखा है. उसको कुछ भी मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग कर रहे हैं चेंज, वैसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं. और 395 उसमें कलम है और 12 परिशिष्ट है. अभी भी हो रहे चेंजेस लेकिन कोई ज़रूरत नहीं. और जो रिजर्वेशन है वो भी ज़रूरी है लेकिन लोग अभी चेंज कर रहे हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब जो बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा था वो बहुत आगे की सोची थी. मतलब बहुत सी घटनाएं जो हमें अभी पता भी नहीं है उन्होंने बहुत पहले सोची थी. जैसे कि अभी मराठा आरक्षण है, उन्होंने पहले बताया था कि ये होना चाहिए लेकिन लोगों ने लिया नहीं. उनके पास बहुत ईगो था कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है, हमारे पास ये वो है. लेकिन अभी उनको ज़रूरत है तो अभी उन्होंने जब कहा था तब लिया नहीं, अभी वो मर रहे उसके लिए. और भी ये तेलंगाना का जो नया अपना स्टेट बना है उन्होंने तब कहा था कि ये बनना चाहिए लैंग्वेज के तौर पे, ये बनना चाहिए, ज़रूरी है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन जब गवर्नमेंट था कांग्रेस का तो उन्होंने सुना नहीं, तो उसके लिए बहुत से लोगों ने सुसाइड किया और बाद में देना पड़ा. अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 ईयर्स उनको लड़ना पड़ा उसके लिए, उसके बाद मिला. और भी बहुत सारे मतलब दूरदृष्टि नेता ऐसे मुझको कह सकते हैं. संविधान के बारे में लोगों में जन जागृति हो इसके लिए आप खास तौर पर किस तरह का उपयोग या योजना चला रहे हो? उसके लिए जो बामसिप जो संगठन है उसके लिए मैं उनसे अटैच हूँ. कोई भी पार्शलिटी करते नहीं हो, मतलब बहुत ही अच्छे प्रोग्राम रखते उनके तौर पे. कोई ऐसी मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करते, कांग्रेस बीजेपी या किसी को सपोर्ट नहीं करते. जो अच्छा है सच्चा है वही बोलते हैं और उनके ज़रिए अच्छे मतलब अभी जो EVM का मामला चल रहा है तो उनका भी बहुत उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाया है. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट डाला मतलब ये केस डाली थी. तो मतलब उन्हीं के जरिए मैं उनसे अटैच रहता हूँ, प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, ऑर्गेनाइज भी करता हूँ. आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? सगळ्या संविधानापेक्षा जगातल्या सगळ्या संविधानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि लिखित एवढं लिखित 395 कलम लिहिणं सोपं नाही, एवढं बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिवस रात्र एक करून हे संविधान लिहिलेलं आहे. त्याच्या त्याबद्दल आता संविधानामध्ये आपल्याला काही चेंजेस दिसतात तरी ते चेंजेस हे करायचे हे काम नाही. संविधान के बारे में तथा गाँव के विकास के बारे में हम जान रहे लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है. पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में
चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता, नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर, तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्ध नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896, 7385519190, 7057050633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है। अब अपने विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जोड़ने के लिए ना हो परेशान, लॉर्ड बुद्धा टीवी ने इसे बना दिया है बिल्कुल आसान। हमारे बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो कार्यक्रम में अपनी पूरी जानकारी दीजिए और अपने मनपसंद रिश्ते बनाइए। हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फुले शाह अंबेडकर के जो यादें हैं उस पर रोशनी डालेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके जब बाबा साहब भारत वापस आए तो सातारा के स्टेशन पर उतरे। उस समय बाबा साहब सातारा में रहते थे। दोनों हाथों में बड़ी बड़ी सूटकेस थी। स्टेशन के बाहर एक घोड़ा गाड़ी वाला टांगे वाला खड़ा था। बाबा साहब का गांव सातारा स्टेशन से 6 किमी दूरी पर था। बाबा साहब ने उस टांगे वाले से कहा, गांव चलोगे क्या? टांगे वाले ने कहा, हाँ साहब चलेंगे। 4 पैसे में गांव चलना तय हुआ। बाबा साहब दोनों सूटकेस टांगे में रखकर बैठ गए। 2 किमी अंतर चलने के बाद बातों बातों में टांगे वाले ने बाबा साहब से पूछा, साहब तुम कौन वंश के हो? बाबा साहब सूट बूट टाई लगाए हुए थे। बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाबा साहब ने टांगे वाले से कहा, मैं अस्पृश्य हूँ। टांगे वाले को आश्चर्य हुआ, क्या साहब मजाक करते हो? मैं महार जाति से हूँ। इतना सुनते ही टांगे वाले ने टांगा रोक दिया और कहा, अरे उतरो मेरी गाड़ी से उतरो। बाबा साहब के सामने उस टांगे वाले की कोई लायकी नहीं थी। टांगे वाला घुटने तक एक मैली सी धोती, फटा मैला सा कुर्ता पहने हुए था। फर्क था तो सिर्फ जाति का था। टांगे वाला बाबा साहब से केवल एक पायदान ऊँची जाति का था। ये वो जाति थी जिसके लिए बाबा साहब ने कांग्रेस में कानून मंत्री रहते हुए उस जाति को कांग्रेस सरकार ने आरक्षण नहीं देने के कारण मंत्री पद से राजीनामा दिया था। टांगे वाले ने कहा, मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया, अब मुझे गाड़ी पर गोमित्र छिड़कना पड़ेगा, उसे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अरे साहब छोटी जाति के हो, छोटे जाति जैसा रहा करो, आपको सूट बूट में देखकर मैं धोखा खा गया। बाबा साहब ने उस टांगे वाले से विनंती करते हुए कहा, भाई मैं सिर्फ छोटी जाति का हूँ, करके तुम मुझे गाड़ी पर नहीं बिठाओगे? टांगे वाले ने कहा, नहीं मैं नहीं बिठाऊँगा, आप पैदल जाओ। बाबा साहब की उस समय मजबूरी थी। शाम का वक्त होने ही वाला था, अंधेरा बस होने ही वाला था। बाबा साहब ने फिर उस टांगे वाले से कहा, भाई मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, पर तुम मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो। मेरे पास 2 बड़ी बड़ी 2 सूटकेस है और रात बस होने ही वाली है, मैं पैदल नहीं जा सकता। डबल पैसों की लालच में गाड़ी वाला बाबा साहब को गांव छोड़ने को तैयार हुआ। टांगे वाले ने कहा, मैं आपको गांव छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा साहब ने पूछा, कौन सी शर्त? मैं तो डबल पैसे देने को तैयार हूँ। टांगे वाले ने कहा, डबल पैसे तो आप दोगे, पर आप छोटी जाति से हो इसीलिए गाड़ी आप चलाओगे और मैं बैठूँगा। बाबा साहब की मजबूरी थी, उन्होंने गाड़ी वाले की शर्त मान ली। एक महिला भिखारी सा दिखने वाला वो टांगे वाला एक इतने बड़े बाबा साहब के सामने शर्त रखी और मजबूरी में बाबा साहब को मानना पड़ा। उस समय जातिवाद की कड़ी बेड़ियाँ थी, इसलिए बाबा साहब को उस टांगे वाले की शर्त माननी पड़ी। बाबा साहब को कैसे भी अपने गांव पहुंचना था। बाबा साहब की जगह बैठा टांगे वाला, टांगे वाले की जगह बैठे बाबा साहब। गाड़ी चलाते हुए बाबा साहब और 3 किलोमीटर चल पड़े। अंधेरे का समय और बाबा साहब को गाड़ी चलाने का उतना अनुभव नहीं होने के कारण
गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गाड़ी पलट गई। टांगे वाला गाड़ी पर से कूद गया पर बाबा साहब गिर गए, क्योंकि बाबा साहब को गाड़ी चलाने का उतना अनुभव नहीं था। उनके घुटने पर चोट आई, इसके बाद गाड़ी वाला आगे तक न जा सका। शर्त के अनुसार बाबा साहब ने गाड़ी वाले को डबल पैसे दिए और दोनों हाथों में सूटकेस जिसमें बाबा साहब के कपड़े और किताबें भी थी, बाबा साहब पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े, जो अभी भी 1 किलोमीटर दूर था। जैसे तैसे घुटने में चोट लगने के कारण लंगड़ाते हुए बाबा साहब घर के पास पहुँच कर रमा रमा करके रमाबाई को आवाज़ लगाई। रमाबाई अपने हाथों में कंदील लिए अपने साहब की आवाज़ सुनकर बाहर आई, देखा तो साहब लंगड़ाते हुए चल रहे थे। रमाबाई ने बाबा साहब से पूछा, क्या हुआ साहब, क्यों लंगड़ाते हुए चल रहे हैं? बाबा साहब की आंखें भीग गई, उन्होंने रुंधे गले से कहा, देख रमा, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उस देश के लोग मुझे पानी को हाथ नहीं लगाने देते, गाड़ी वाला गाड़ी पर नहीं बिठाता, कितना जातिवाद का जहर है इस देश में। आज मैं पराए देश में से आ रहा हूँ, वहाँ मेरा कितना सम्मान होता है, वहाँ मुझे डिलीट की उपाधि मिली, वहाँ के कुलगुरु ने मुझे अपना मौल्यवान पेन भेंट दिया, मेरे जैसे पढ़े लिखे और विद्वान की यह दशा है, मेरा समाज तो बिल्कुल ही अनपढ़ भिंडी जैसा है, ये जातिवाद तो मेरे समाज को पैरों तले रोन डालेगा, मुझे कुछ करना चाहिए, इतना कुछ सहा है हमारे बाबा साहब ने। उस समय अगर बाबा साहब ने हमारे लिए अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो दर्शकों आज हम किस परिस्थिति में होते, ये सोचने और समझने की बात है। फुले शाहू अंबेडकर के विचारों के बारे में हम आपको मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके विचारों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे और अवगत कराते रहेंगे कि फुले शाहू अंबेडकर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहाँ पे संविधान जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का हम पठन करेंगे। आप सभी तैयार हैं संविधान इस ग्रंथ का पठन करने के लिए? हाँ। जोर से बोलिए, तैयार है? हाँ। चलो, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर पर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतदा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, आपको अगर मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम को अगर आपके गांव में दिखाना है तो आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, तो आप कृपया हमें उस व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या आपके सुझाव जो है वो हमें उस कॉल पर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में मैं ज्योति हाड़के लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। अब नए नियम के अनुसार आपको अपना टीवी चैनल चुनने का अधिकार है और चुने हुए टीवी चैनल के ही पैसे आपको देंगे। आपका भी से अनुरोध है कि 29 दिसंबर 2018 से अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से लॉर्ड बुद्धा टीवी की मांग करें। अपने मनपसंद प्रोग्राम का आनंद लेते रहें। यह करना 29 दिसंबर 2018 तक आवश्यक है। यदि आपको कोई मना करता है तो आप उसे इस अधिकार के बारे में जरूर बताएं। और फिर भी यदि आप अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो अपना केबल या डीटीएच ऑपरेटर जरूर बदल सकते हैं। अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी देखना यह आपका अधिकार है, अपना अधिकार दें। टेलीकॉम ऑथोरिटी एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार यह आपका हक है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।